कांग्रेस ने नोटबंदी को गरीब विरोधी और जीएसटी को व्यापारी विरोधी बताकर भाजपा सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जगह जगह मिले भाजपा के जनादेश ने कांग्रेस की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किस राज्य की किस जनसभा में किस नेता ने किसके बारे में क्या कहा, संसद में आमतौर पर इन बातों पर कोई चर्चा नहीं होती, परंतु चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने किस संदर्भ में क्या कहा इसे लेकर बार बार माफी मांगने के लिए जिद करते हैं। बेशर्मी के साथ सदन की कार्यवाही को निरंतर बाधित करते हैं। देश की जनता देख रही है कि किस तरह से लोग सांसद को बाधित करके जनता की कमाई को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर से देश की आवाम का भरोसा खत्म हो चुका है। 2019 में लोग इन्हें अपने चुनावी क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि मोदी सरकार वही काम कर रही है जिस काम के लिए जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। इसलिए यूपीए की सरकार की तरह पिछले 4 सालों में मोदी सरकार पर किसी भी तरह के घोटाले का एक भी दाग नहीं लगा, यहाँ भी इस देश में पहली बार दिखाई दिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। जग जग ले वो दीदी मोटर पंप चला थे रब रब है। 24 घंटा ही हाँ बिजली मिला थे वो संतोषी करता ही नहीं है। डॉक्टर रमन के राज मदीदी बिजली त्योहार से मनाई ले। डॉक्टर रमन के राज मदीदी बिजली त्योहार से मनाई ले। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल, अब सभी सिंचाई पंपों को फ्लैट रेट पर बिजली, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा जनहित में जारी। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर नगर एवं जनपद बांदा वासियों को हार्दिक बधाई। निवेदक जिला बांदा उत्तर प्रदेश। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मोहम्मद अजीम, मेडिकल ऑफिसर CHC फूलपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मूलचंद मीना, जिला प्रमुख भाजपा जयपुर। समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नगरपालिका परिषद मलाज खंड द्वारा समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नगरपालिका परिषद मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश। नगर परिषद अकोड़ा की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक नगर परिषद अकोड़ा। आजादी के इस पावन पर्व पर आप सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हम सभी भारतवासियों को ये शपथ लेनी चाहिए कि हम सभी आपस में मिलकर देश की अखंडता, देश के सौहार्द और आपसी विचारधारा को बढ़ावा देंगे। भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस पावन पर्व पर मैं अपने नगर वासियों के साथ साथ इस जनपद के वासियों का, प्रदेश वासियों का व देश वासियों का तथा इस मुल्क की सरहद पे लगे उन कुबेर नौजवानों का हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि अपने नगर निवासियों से अपेक्षा करेंगे कि वो इस नगर को स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में अपना सहयोग देते रहें। कटनी नगर वासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस एवं 15 अगस्त की शुभकामनाएं मेरी तरफ से सबके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर हमारे कटनी जिले के समस्त साथियों को, वरिष्ठजनों को, सम्मानीय युवा साथियों को, छात्र छात्राओं को, माताओं बहनों को यह राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विष्णु खत्री, विधायक विधानसभा क्षेत्र बैरसिया। आप सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक ताहिर अली, पार्षद वार्ड नंबर 1 बैरसिया, जिला भोपाल। समस्त देश एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक केशव देसाई, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं वर्तमान कृषि उपज मंडी समिति गोहर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पारुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट से जुड़ी हुई यह खबर, जहां पर कई लोगों के फंसे होने की खबर है।
आपको बता दें करीब 30 से ज्यादा लोग पानी के बीच फंसे हुए हैं। सभी लोग ग्वालियर के बताए जा रहे हैं। ग्वालियर और अशिवपुरी से रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची है। पानी के तेज बहाव के चलते राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर बुलवाया गया, चॉपर वहां पहुंचा है, जिससे लोगों को एयरलिफ्ट करके बचाया जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से बचाव दल को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से अचानक सुल्तानगढ़ वाटरफॉल में तेजी से बहाव आ गया। पिकनिक मनाने गए लोग इसमें फंस गए, वो संभल नहीं पाए, चारों ओर से पानी से घिर गए। सेल्फी लेने के चक्कर में वाटरफॉल के नजदीक ये चले गए थे, तेज बहाव आते ही पानी में बह गए। पिकनिक स्पॉट ग्वालियर शिवपुरी की सीमा पर भानगढ़ के पास है। शिवपुरी से इसकी दूरी करीब 40 किलोमीटर है, जबकि ग्वालियर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौके पर पहुंचे हैं, बचाव कार्य का उन्होंने जायजा लिया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर शिवपुरी से। बिना जानकारी के ही पानी छोड़ दिया गया था, बिना किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई थी, और पीछे से जो पानी है वो छोड़ दिया गया एकाएक, और पानी का जो स्तर था वो बढ़ता चला गया। ऐसे में जो लोग वहां पर पिकनिक मनाने गए थे वो फंस गए। इसमें कई लोग बह भी गए हैं। आपको बता दें कई लोगों के मारे जाने की खबर है, रेस्क्यू करके उन लोगों को बचाया जा रहा है जो वहां फंसे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। दूसरी तस्वीर की अगर बात की जाए तो दिन की तस्वीर है। उस तस्वीर में एक टापूनुमा चट्टान पर ये लोग बैठे हुए हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि इन लोगों की जिंदगी पर बनाई है। ऐसे में चॉपर से इनको बचाने की कोशिश चल रही है। 30 से ज्यादा लोग फंस गए थे, 11 लोग इसमें बह भी गए हैं, जिनमें 4 लोगों की मौत की खबर है। स्वराज एक्सप्रेस लगातार इस बात को कह रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि 11 लोग बह गए, जिनमें 4 लोगों की जान भी चली गई है। के दुबे संवाददाता मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। के, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी भी रेस्क्यू जारी है, और जो चॉपर है वो लगभग 6 लोगों को लेके ले जा चुका है, और उसके बाद अभी तक वो उनको छोड़कर वापस नहीं आया। और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम है वे रस्तों के सहारे उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, और अभी तक जो केवल 6 ही लोगों को निकाला जा चुका है, और जो चॉपर है वो लगभग 1 से 1.5 घंटा हो चुका है उसको ले जाए हुए। उसके बाद वो बताया जा रहा है कि चूंकि आप मौजूद हैं इस पूरे स्पॉट पर, घटना स्थल पर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, ताजा अपडेट बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि अभी भी वहां पर लगभग 34 लोग फंसे हुए बताया जा रहे हैं, 34 लोग फंसे हुए हैं, और जिनको हम सामने से देख भी पा रहे हैं, और जो रेस्क्यू टीम है वो रस्तों के सहारे से उनको निकालने का की प्रयास कर रही है, और जो चॉपर है वो 6 लोगों को ले जाकर टेकनपुर छोड़ चुका है, और उसके बाद अभी तक 1.5 घंटा हो चुका है। क्योंकि चूंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में जद्दोजहद जो रेस्क्यू के लिए चल रही है, चॉपर आप बता रहे हैं कि एक बार जा चुका है, वो 6 लोगों को लेकर वापस अभी तक नहीं आया है। जाहिर सी बात है अंधेरा है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस अंधेरे को भी काटकर यानी कि इन लोगों को कैसे बचाने की और कुछ मुमकिन कोशिश हो रही है अभी? जी मैं आपको बता दूं कि जो लाइट्स हैं वो उनके प्रबंध किया जा चुका है, और जो लोग जो फंसे हुए हैं उनको रस्सी के सहारे और ट्यूब के सहारे निकालने का जो होमगार्ड के जवान है वो प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि ना जल्दी से जल्दी निकाला जाए, मगर जो भी रेस्क्यू है उसमें कोताही बरती जा रही है, और काफी देर से ये लोग फंसे हुए हैं, इनको लगभग फंसे हुए 4 घंटे होने को जा रहे हैं, 4 से 6 घंटे होने को जा रहे हैं, मगर इन्हें अभी तक निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, और ये जो लोग फंसे हुए हैं ये केवल एक ही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात क्या मैं आपको बता दूं कि जो ऊपर वाले की एक मेहरबानी कही जा सकती है, जिसको कि बारिश थम चुकी है, जिसके जो कारण जो पानी है वह भी जो पानी का बहाव है वह भी कम होता है। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि एकाएक पानी आ जा रहा है, यानी कि पीछे से दरवाजे खोल दिए गए, किसी बैराज से पानी छोड़ा गया, किसी भी तरह की कोई सूचना लोगों को नहीं दी गई। जाहिर सी बात है पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर छुट्टी का दिन था, लोग जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन उससे पहले अलर्ट नहीं किया गया था, ये बड़ी लापरवाही है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि हम वो तस्वीर भी आपके सामने रखने वाले हैं जिसमें लोग बहते हुए नजर आए। कुछ ही पल इंतजार कीजिए, हम वो तस्वीर भी आपके सामने लेकर आएंगे जिन तस्वीरों में साफ तौर पर पानी के तेज बहाव में लोग बहते हुए नजर आए। 11 लोग चूंकि बह गए हैं इस पानी में, और उनके मारे जाने की भी खबर है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे सहयोगी ग्वालियर संवाददाता विनोद शर्मा भी मौजूद है। विनोद, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है और रेस्क्यू लगातार जारी है
ग्वालियर से होमगार्ड के जवान हैं, चलाव दल के जो हैं वो मौके के लिए पहले ही पहुंच चुके हैं और खुद ग्वालियर प्रशासन, ग्वालियर का पुलिस हमला और ग्वालियर के जो भी नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए जो फंसे हुए हैं। या मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद थे एक ग्वालियर के, और जैसे ही उनको इस बात की जानकारी लगी वो भी मौके के लिए रवाना हो गए और राज शासन से लगातार उनका जैसा कहना है बातचीत चल, संभव वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं उनको बाहर निकाला सके। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अचानक जो पानी छोड़ा गया आखिर उसके पहले क्यों जानकारी दी? बिल्कुल विनोद, और चुके जो जितने भी लोग वहां फंसे हुए थे ये सभी लोग ग्वालियर के बताए जा रहे हैं। विनोद जी, जी ये सभी लोग ग्वालियर के बताए जा रहे हैं। बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस घटनाक्रम की का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं राहत बचाव दल जो है वहां पर उसके संपर्क में हूं, मैं पल पल की अपडेट ले रहा हूं। विनोद ऐसे में जो लगातार हम ट्वीट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, विनोद बने रहिएगा आप। ये साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि शिवपुरी में वाटरफॉल में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास जारी है, मैं लगातार बचाव दल के संपर्क में हूं, हेलीकॉप्टर से मदद से बचाव दल प्रयासरत है, 7 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा चुका है, बाकी लोग जो फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही विनोद के, आखिर छुट्टी का दिन था, जैसा कि आप भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, छुट्टी का दिन था, सबको मालूम था कि वहां पिकनिक स्पॉट पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे में एकाएक पानी छोड़ देना कितनी बड़ी लापरवाही विनोद। बड़ी लापरवाही, इसको बड़ी लापरवाही ही कहा जाएगा, क्योंकि देखिए 15 अगस्त का दिन था और हर कोई 15 अगस्त के दिन छुट्टी मनाने जाता है, सेलिब्रेट करता है स्वतंत्रता दिवस का, और अपने अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इन स्थानों पर जाता है। ग्वालियर शहर के जो आसपास पिकनिक स्पॉट है वहां जाता है, और सबसे ज्यादा सुल्तानगढ़ पिकनिक स्पॉट है जहां जाया जाता है। और इस बात की जानकारी ऐसा नहीं कि ग्वालियर प्रशासन को नहीं है, सिपरी प्रशासन को नहीं है, ना किसी तरह की वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई। 2 थाने लगते हैं, ग्वालियर जिले का जो थाना है मोहना है और जो शिवपुरी जिले का थाना है वो सुभाषपुरा, 2 थाने हैं। कम से कम इन 2 थाने के कोई पुलिसकर्मी किसी तरह के वहां मौजूद होने चाहिए और गोताखोर भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि एक बड़ा फॉल है। और दूसरी बात यह है कि जो पानी छोड़ा गया, तो पानी जब छोड़ा जाता है तो एक नियम होता है कि सायरन बजाया जाता है, बाकायदा मुनादी कराई जाती है, और जिन जिन इलाकों से होकर पानी निकलेगा घुसेगा वो इन इलाकों में पहले से सूचना दी जाती है कि इन इलाके से पानी छोड़ा गया है और पानी निकल रहा है, और जो लोग हैं उनको वहां से हटाया जाए, या जिस तरह की कोई अगर बैठा है या गांव का आसपास का कोई मौजूद है तो उनको हटाया जाता है। लेकिन ये तो बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही की जवाबदारी जरूर किसी को लेनी पड़ेगी, प्रशासनिक अधिकारियों को और एरिकेशन विभाग को, और जिन्होंने। विनोद मैं लौटूंगा आपके पास, के हमारे सहयोगी वो भी बने हुए हैं, घटना स्थल पर मौजूद है। के आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग फंसे हुए हैं क्या उनमें कुछ युवतियां भी शामिल हैं, महिलाओं के शामिल होने की खबर है, या सिर्फ और सिर्फ युवक ही फंसे हुए हैं? जी, जो अभी तक जो फंसे हुए हैं उनमें लगभग दूर से देखने में तो केवल अभी पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं, और जो महिला है वो नहीं बची हुई है, क्योंकि जो अक्सर जो फॉल्स होते हैं उनमें जो बीच जो स्थान पर जो पहुंचा जाता है वो लगभग पुरुष ही पहुंचे जाते हैं, और हम प्रयास भी कर रहे हैं, उनमें से कोई एक किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी तलाशा जा रहा है कि जल्द से जल्द उनसे भी बात की जा सके। बिल्कुल, के चूंकि आप मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातें कही हैं और क्या कुछ उन्होंने निर्देश दिए हैं वहां पहुंचने के बाद? जी, मैं आपको बता दूं कि जो मंत्री जी पहुंचे हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू दल है वो भी बढ़ाया जाए, और उनका ये कहना है कि आवश्यकता पड़ी तो और हेलीकॉप्टरों को भी बुलाया जाएगा, चॉपर भी बुलाए जाएंगे, जिससे जो राहत कार्य है वह जल्द से जल्द पूरा हो सके। लेकिन के सवाल ये है कि अंधेरा हो चुका है, इस अंधेरे में ऐसे कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, उसके लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और कौन कौन वहां मौजूद है ये भी बताएं। मैं आपको बता दूं कि जो अंधेरे के जो अंधेरा हो चुका है जिसके लिए लाइट की व्यवस्था की गई है, और जो पोर्टेबल जनरेटर है वो भी बुलवा लिए गए हैं, और जो जो गाड़ियां हैं उनके फॉग लैंप भी जला दिए गए हैं, मगर जो और इस समय वहां पर ग्वालियर आईजी भी मौजूद हैं, ग्वालियर एसपी भी मौजूद हैं, और शिवपुरी एसपी भी मौजूद हैं, शिवपुरी के कलेक्टर शिल्पा गुप्ता भी मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, लगभग शिवपुरी जिले का तो लगभग पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और काफी कार्रवाई कर रहा है। जी बिल्कुल, और इस घटना पर अब लगातार ट्वीटों का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है, उन्होंने इस मामले में उन लोगों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है जिन लोगों ने एकाएक पानी छोड़ा है,
जिससे इन लोगों की जान पर बनाई है। विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ग्वालियर संवाददाता। विनोद, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे, उन्होंने जैसे ही घटना का संज्ञान लिया वो तुरंत वहां के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर जो चॉपर जो है अब तक रेस्क्यू कर रहा था वो दोबारा लौटकर नहीं गया है। जिन सात लोगों के बचाने की खबर है कि सात लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया, उन लोगों को कहां लाया गया? क्या ग्वालियर उनको ले जाया गया या फिर शिवपुरी लेकर जाया गया? किस जगह उन्हें सुरक्षित उतारा गया है और क्या दोबारा जाने की संभावना है अंधेरे में? अभी जो हमारे पास जानकारी आई है कि वो संभवतः उनको शिवपुरी ले जाया गया है, क्योंकि ग्वालियर जयरोग अस्पताल में मैं खुद खड़ा हूँ इस समय और लगातार डॉक्टरों के संपर्क में है। संभवतः उनको शिवपुरी ले जाया गया है और हो सकता है कि वहां से ग्वालियर रेफर किया जाए या ग्वालियर लाया जाए, लेकिन प्राथमिकता ये है प्रशासन की कि जो रेस्क्यू करके निकाले जा रहे हैं वो एक उनको तो निकाला ही जा रहा है, लेकिन जो लोग अभी भी पानी में फंसे हुए हैं, कितने वहां पानी में बह गए हैं, उनका आंकड़ा क्या है, उनके जो रेस्क्यू करके निकले गए उनसे पूछा जा रहा है कि उनके साथ और कितने लोग थे, क्योंकि ये कोई एक जगह के लोग नहीं थे, विभिन्न जिलों के जगह के लोग थे, शिवपुरी के भी लोग यहाँ शामिल थे, ग्वालियर के लोग भी शामिल थे, जो आसपास के